देखिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं सोयाबीन का सब्जी, जिसे हमने 5 मिनट पानी में भिगो दिया है। इसको बनाने के लिए चाहिए हमें प्याज, टमाटर, उबले हुए आलू, मसाले में चाहिए अदरक लहसुन पेस्ट, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर और धनिया पाउडर। तो हमने आलू को टुकड़ों में काट लिया है, और जो सोयाबीन था उसे हम लोग वॉश कर लेंगे। अब हम लोग कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसमें आलू को फ्राई कर लेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये रेड कलर में ना बदल जाए। देखिए ये आलू अब भून गया है, इसमें हम ऐड करेंगे सोयाबीन। थोड़ा देर इसे और भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब आलू सोयाबीन भून गया है। अब इसका ग्रेवी तैयार करते हैं। अब हम लोग फिर से 1 चम्मच तेल डालेंगे, गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो देखिए प्याज भून गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। और इसे भी गलने तक भूनेंगे या ढककर छोड़ देंगे। तो देखिए ये प्याज और टमाटर गल गया है। अब इसे इसमें हम सारे मसाले को ऐड करेंगे जो हमने पहले बताया था। मसाले को भी लाल होने तक हम भूनेंगे। ये देखिए मसाला भी भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे सारे मटेरियल जो हमने पहले भूनकर सब्जी रखा था उसे। अब इसमें हमने सोयाबीन आलू डाल दिया है और इसे चलाएंगे, भूनेंगे थोड़ा देर तक, जब तक मसाले में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। और उसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे कुछ देर तक हम लोग भूनेंगे। ये देखिए मसाला और सब्जी एक साथ मिक्स हो गया है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पानी, सब्जी के क्वांटिटी के अनुसार या जितना ग्रेवी आपको रखना हो उसके अनुसार आप इसमें ऐड कीजिए पानी। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे मटन मसाला। अब इसे ढककर पकने देंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए हम लोग की सब्जी तैयार हो गई है। ग्रेवी अपने हिसाब से रखें। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। सो गाइस, आप लोग इसे देखें, बनाएं, खाएं और लाइक सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।